हेलो गाइस, तो स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल क्रिकेट फोर में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुर्किश लीग के मैच के बारे में, जो गाइस खेला जाएगा यहां से ट्राम जोनसपुर और कासिम पासा के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो में इन दोनों टीम को रिसेंट फॉर्म, हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्लस में गाइस बताएंगे इन दोनों टीम के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर कितने गोल, कितने असिस्ट हैं। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन होने वाले और सभी प्लेयर्स का एक एक प्लेयर का डीपली एनालाइज करेंगे। तो गाइस, तभी तो आप लोगों को बोलता हूँ कि समोर लीग पक्की होगी। क्यों? क्योंकि ऐसे प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनका ड्रीम इलेवन सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी लो है और आपके लिए समोर लीग में तो वन साइड ही विन कराएंगे। तो गाइस, बात कर लेते हैं यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात। अगर आप लोग नए हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जुड़ना ना भूलना। फाइनल अपडेट वहीं पर मिली जाएगी और फाइनल टीम भी वहीं पर दी जाएगी। तो गाइस, जब बात कर लेते हैं यहाँ से इन दोनों टीमों को क्या रहती है पॉइंट टेबल और रिसेंट फॉर्म के बारे में। तो गाइस, हम आ गए यहाँ से जो तुर्किश लीग पॉइंट टेबल है वहाँ पर। तो यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ से कासिम पासा सिक्स पोजीशन पर है और यहाँ से ट्राम जोनसपुर यहाँ से 18 पोजीशन पर है। तो इसने 6 मुकाबले के कासिम पासा, 2 मुकाबले विन, 2 ड्रॉ, 2 लॉस कर चुके, 4 गोल के प्लस 3 गोल कंसीड कर चुके। तो गाइस, यहाँ से चीज़ दिखाते हैं कि इसका अटैक से लेकर डिफेंस तक एवरेज है। वहीं पर बात कर लेते हैं ट्राम जोनसपुर ने 6 मुकाबले खेले, 1 विन, 2 ड्रॉ, 3 लॉस किए, 6 गोल करें प्लस 10 गोल कंसीड कर चुके। तो इसका जो प्रेजेंट टाइम है वो काफ़ी गंदा चल रहा है, लेकिन मतलब पिछले ईयर्स की ये सेकेंड बेस्ट टीम थी, इसने सेकंड पर फिनिश किया था। तो गाइज, कहीं ना कहीं इस मैच में बैक करने की कोशिश करेगी। तो गाइज, अकॉर्डिंग टू एनालाइज हम एनालाइज करेंगे इसमें। तो गाइज, जब बात कर लेते हैं यहाँ से इन दोनों टीमों को, जब भी हेड टू हेड मुकाबले हैं तो कौन सी प्लेयर मतलब कौन सी टीम ने विन किया है। तो गाइज, यहाँ से बात करें जो ट्राम जोनसपुर ने 2 विन किए हैं, 2 ड्रॉ और 1 लॉस किया है। तो यहीं पर बात कर जाए पिछले मुकाबले जब ये खेली थी 2020 में, यानी जनवरी में हुआ था ये मुकाबला, 6-0 से विन किया था ट्राम जोनसपुर ने। वहीं पर बात कर दें पिछले मुकाबले ड्रॉ, उससे पिछले मुकाबले ड्रॉ, उससे पिछले मुकाबले फिर विन, और यहाँ से उससे पिछले मुकाबले फिर विन हुआ। तो गाइस, यहाँ से जो डोमिनेट करती है ट्राम जोनसपुर, अपने वन साइड विन करती है किससे, कासिम पासा थे। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं यहाँ से ट्राम जोनसपुर की जो रिसेंट फॉर्म है। तो यहाँ से अपने पिछले 3 मुकाबले वन साइड लॉस कर रही और इसने 2 मुकाबले ड्रॉ खेले, 1 मुकाबला विन किया है। तो गाइस, यहाँ से इसका जो करंट फॉर्म है ये काफ़ी गंदा है, लेकिन कुछ प्लेयर्स थे जो इस मैच में नहीं खेले थे तो तभी आप लोगों को गोल प्लस कंसीड दिख रहे हैं, और इस मैच में उम्मीद करता हूँ उस पर प्लेयर आप इस मैच में खेलेंगे। तो गाइस, जब बात करते हैं जो कासिम पासा के रिसेंट फॉर्म है, तो पिछले मुकाबले अपने ड्रॉ खेल कर आ रही, उससे पिछले मुकाबले ड्रॉ खेला था इसने, और उससे पिछले मुकाबले 5-0 से लॉस किया था, और वहीं से बात करें इस्तानबुल के खिलाफ, और वहीं पर बात करें पिछले 2 मुकाबले इसने विन किए और 1 मुकाबले लॉस किया। तो गाइस, यहाँ से 2 मुकाबले ड्रॉ, 2 मुकाबले विन और 2 मुकाबले लॉस। अब गाइस, क्या रहेगा, लॉस ड्रॉ मतलब सब खेल ली तो क्या क्या निकल कर रहा अब। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर के कितने गोल हैं, कितने असिस्ट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्राम जोनसपुर के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस, यहाँ से बात करते हैं जो लीग की अभी शुरुआत हुई है, तो यहाँ से बैनिक अफोबे ने 3 गोल किए हैं, और यहाँ से ओमोर ने 1 गोल किया, और यहाँ से नवा कीमे ने 1 गोल किया, और यहाँ से काम्पी ने 1 गोल किया। तो गाइस, पिछला सीजन का अगर आप लोग रिकॉर्ड देखना तो वो भी दिखा देंगे। तो बात कर लेते हैं इस टीम तरफ से आई असिस्ट, काम्पी ने यहाँ से असिस्ट किए हैं अपनी टीम तरफ से, और यहाँ से फ्लाविया ने, लेविस बाकर ने और जोई परेरा ने भी असिस्ट किया है। तो अगर जब बात करें तो जो पिछले सीजन की इन तरफ से हाईएस्ट गोल टेकर कौन थे, तो अगर जब सभी को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सभी का रिकॉर्ड पिछले सीजन का, यहाँ से अलेक्जेंडर शॉर्टलोथ ने 23 गोल किए थे, हाईएस्ट गोल टेकर था, और यहाँ से नवा कीमे ने 11 गोल किए थे। तो अगर यहाँ से जोश सोसा ने 9 गोल किए थे, यहाँ से नोवाक ने 7 गोल किए, बाकी सभी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप यहाँ से किसी का भी। और गाइस, इस टीम तरफ से जो हाईएस्ट असिस्टेकर थे पिछले सीजन उनके बारे में बता दें, इस टीम की तरफ से हाईएस्ट असिस्टेकर पिछले सीजन यहाँ से अलेक्जेंडर शॉर्टलोथ थे, और यहाँ से जोश सोसे, और यहाँ से गोई हैराम। तो गाइस, बात कर लेते हैं आप सभी का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू एनालाइज बना सकते हो अपनी खुद की एक टीम। और मैं बात करता हूँ अब यहाँ से जो सेकेंड टीम है उसके प्लेयर्स के बारे में और गोल असिस्ट के बारे में। जो गाइस फिलहाल का रिकॉर्ड चल रहा है इस टीम का वो आपके सामने, सभी ने एक एक गोल किया, स्क्रीनशॉट लेना, नाम देख लेना। और गाइस, बात करें इस टीम की तरफ से असिस्ट यहाँ से आयटक कायरा ने 2 असिस्ट किया और बाकी दोनों ने 1 असिस्ट किया। तो आप रिकॉर्ड को साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और गाइस, जब बात पिछले सीजन जब इनने गोल किए थे कौन से प्लेयर थे हाईएस्ट गोल टेकर इस टीम तरफ से उनके बारे में बात करते हैं। तो गाइस, यहाँ से जो पिछले सीजन हाईएस्ट गोल टेकर थे यहाँ से बंगाली फोर्टे कोइटे 12 गोल किए थे, और यहाँ से मेहमेद तियामे ने 11 गोल, और यहाँ से आयटक कायरा ने 5 गोल किए थे, और यहाँ से हारिस ने 4 गोल किए, बाकी सभी ने 2-2, 1-1, 2 गोल के हैं। आप चाहे तो रिकॉर्ड देख सकते हो। और गाइस, जब बात करते हैं इस टीम तरफ से पिछले सीजन का हाईएस्ट असिस्ट टेकर प्लेयर्स के बारे में, तो पिछले सीजन जो हाईएस्ट असिस्ट टेकर थे यहाँ से हैरिस हजरानडोविक 6 असिस्ट कर चुका, और यहाँ से बंगाली फोर्डे कोयटा 5 असिस्ट, और यहाँ से हदादी 5 असिस्ट, और यहाँ से थायम 4 असिस्ट, और यहाँ से एरडोगन
3 असिस्ट, बाकी सभी ने एक एक दो दो असिस्ट किया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग नए हो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या गाइस, आपने अगर नए हो सीधा आप टीम मत लगाना, मैं कभी नहीं कहता। और ये सोचना कि जो इस मैच की जो हमारी टीम रहेगी उसके पॉइंट कितने हैं, और फिर कंपेयर करना जितने यूट्यूबर्स ने इस मैच की वीडियो बनाई है उन सभी से। तो अगर हमारी टीम का ज़्यादा पॉइंट हो तो कंपेयर करके देखना आप कौन सा फैंटेसी आपके लिए बेहतर है, तो उस पर जाना। मैं कभी नहीं बोलता कि आप मेरे ही मतलब मेरे चैनल की टीम लगाओ, आप अगर अपने समझदारी से टीम लगाना। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारी टीम लगाएंगे, क्योंकि इतना बेस्ट मेरे हिसाब से तो फैंटेसी फुटबॉल में शायद आप लोगों को बेहतर मिले। तो बाकी आपकी चॉइस रहेगी, आप किससे उम्मीद करते हो अपनी फैंटेसी फुटबॉल को बेहतर बनाने की। तो गाइस चलिए देख लेते हैं इन दोनों टीमों क्या रहती है हमारी ड्रीम इलेवन की बेहतरीन टीम अकॉर्डिंग टू एनालाइज। गाइस बात करते हैं गोलकीपर में आप लोगों को दो चॉइस होने वाले हैं इस मैच की तरफ से, यहाँ से कोस है और यहाँ से कार्ड ड्रेसलर। तो इन दोनों में से किसी को पिक कर चलना। फिलहाल फिर वही बात, मैं तो यहाँ से कास्ट ड्रेसलर को ही पिक कर चलूँगा। बात करते हैं डिफेंडर में से, हम यहाँ से ओहदादी को पिक कर चलेंगे और सिर्फ एक ही प्लेयर को पिक करेंगे, और हम यहाँ से काम्पी और होगो और यहाँ से एम जेवियर को पिक करके चलेंगे। अगर गाइस यहाँ से और कोई खेलेगा तो मैं आप लोगों को फाइनल लाइनअप आने के बाद ही बता दूंगा। तो गाइस यहाँ से पिक कर चलेंगे एकारा को, एल बेकर को, और यहाँ से हाईएस्ट गोल टेकर थे पिछले सीजन के, यहाँ से गाइस बता दें एक बार। हम यहाँ से पिक कर चलेंगे हैरिस हर्जनरोविक को, क्योंकि 4 गोल + 7 असिस्ट है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो गाइस बात करते हैं सेंटर फॉरवर्ड में से, सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पिक यहीं से मिलने वाली है आप लोगों को, और कुछ ऐसे डिफरेंशियल। यहाँ से एफ अबोव है हाईएस्ट गोल टेकर थे तो इंपॉर्टेंट रहेगा। देख और आप लोगों को मैं ऐसे कुछ जेल टिप्स बताऊंगा। देख यहाँ से आप लोग बंगाली कोट है सिलेक्शन, देख मात्र 11%, क्यों नहीं कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छी खासी भूमिका निभा सकते हैं। अरे वन साइड विन कराएगा, टेंशन वाली बात ही ना। तो यहाँ से हम कोटे को पिक करेंगे, एफोबे को पिक कर चलेंगे, और हम यहाँ से क्रोएशिया को पिक करेंगे, और फाइनल टीम रहेगी वहीं पर डाली जाएगी। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए शुक्रिया रहेगा आप लोगों को। कैप्टन यहाँ से ये रहने वाले, वाइस कैप्टन फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को फाइनल टीम आने के बाद ही बता दूंगा। तो फाइनल टीम और फाइनल प्लेयर्स और फाइनल जो कोड रहेगी हमारी, उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ना जरूरी है, क्योंकि वहीं पर हम आप लोगों को सारे कुछ जो इस मैच कंप्लीटेड टीम रहेगी वो हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार गाइस मेहनत तो काफ़ी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी अगर प्यार रहा तो ना वन साइडेड विन भी करेंगे इनशे। तो मिलते हैं टेलीग्राम पर, कोई बात, थैंक यू।